मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब मैं क्या करूँगी? यह बीमारी तो काफी पीड़ादायक है। जी मैं समझ सकता हूँ, यह काफी कष्टदायक है, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे वैद्यों की दवाओं से मुझे काफी कष्ट सहना पड़ा है। मैंने अपनी बीमारी पर बहुत सारा धन खर्च कर डाला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब तो मेरी बीमारी और गंभीर हो गई है। 12 सालों से मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। जा रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को देखने जा रहे हैं। वो वहाँ है, चलो तुम भी देख लो, जिसने कोढ़ी, अंधे और बहरों को चंगा किया है। यीशु नाजरी, अब वही मेरी अंतिम आशा है। हाँ सचमुच वही हमारी अंतिम आशा है। के पास ले जा सकते हैं? यदि मैं उनको छू भी लूं, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। हाय, कितने वर्षों की अब पीड़ा। मैं तो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित हूँ। रक्तस्राव? तुम उन्हें कैसे छू सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। ए महिला, तुम उन्हें नहीं छू सकती, रुक जाओ। यदि मैं उनका कपड़ा भर छू पाऊं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं उन्हें छूना चाहती हूँ, मैं उन्हें जरूर छूंगी। किसने मेरा कपड़ा छुआ? गुरुवर, आप तो देख ही रहे हैं कि भीड़ की भीड़ आप पर गिर रही है, तब भी आप पूछते हैं? किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया है। मैंने महसूस किया है कि मुझसे शक्ति निकली है। रक्तस्राव से पीड़ित थी और बहुत कष्ट में थी। मैंने विश्वास किया कि यदि मैं आपके वस्त्र को छू लूं, तो स्वस्थ हो जाऊंगी। इसलिए मैंने आपको छुआ और आपने मुझे चंगा किया। पुत्री, डरो नहीं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, निश्चिंत होकर जाओ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर।